हाय गाइस, आज हम देखेंगे द लास्ट सेक्शन विच इज ऑन फॉर्मेट थ्योरम. ओके, विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब बहुत इम्पॉर्टेंस है इसका आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन से भी, आपके थ्योरी लेक्चर से भी बहुत. ठीक है, सो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है? पी बी अ प्राइम, ठीक है, पी बी एनी प्राइम एंड सपोज पी डज नॉट डिवाइड ए, ठीक है, देन ए रेज टू पी माइनस वन कॉन्ग्रेंस वन मॉड पी. ओके, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? पी कोई भी प्राइम है और ए कोई भी नंबर है, लेकिन एक दूसरे को डिवाइड नहीं करना चाहिए. तो क्या हो जाता है कि जब आप पी से इसको डिवाइड करोगे, पी से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा वन. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर हमने ए की वैल्यू सपोज करो एट ले ली, ए की वैल्यू एट ले ली और कोई भी प्राइम ले लो थ्री. ओके, कोई भी प्राइम ले लो थ्री, तो क्या हो जाएगा? देखो गाइस, ये पी डिवाइड्स ए है क्या? दैट इज थ्री डिवाइड एट है क्या? नहीं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए रेस टू पी माइनस वन, ए रेस टू पी माइनस वन, दैट इज क्या हो जाएगा? ये एट रेस टू थ्री माइनस वन कॉन्ग्रंस वन मॉड पी, दैट इज थ्री. एट रेस टू थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू कॉन्ग्रंस वन मॉड थ्री. ओके, दैट इज ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये 64 माइनस वन ना, ये हो जाएगा 64 कॉन्ग्रंस वन मॉड थ्री. मतलब क्या? जब 3 से 64 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? वन. अब आप बोलोगे इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, क्या फालतू टाइम पास है ये? नहीं गाइस, आपने एक बात ध्यान नहीं दी. ऊपर देखो, एट स्क्वेयर कॉन्ग्रंस वन मॉड थ्री. ठीक है, इसको मैं जरा यहां पे लिखता हूं ठीक से. आपने ये देखा नहीं, एट स्क्वेयर कॉन्ग्रंस वन मॉड थ्री, इसका इस्तेमाल देखो कितना बड़ा है. एट स्क्वेयर कॉन्ग्रंस वन मॉड थ्री, और अपने पास एक प्रॉपर्टी है कि ए रेस टू के कॉन्ग्रंस बी रेस टू के मॉड एन. ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, फॉर्मेट थ्योरम में लगेगी. आपने शायद से ध्यान नहीं दिया होगा. ठीक है, तो अगर मैं इसको सपोज करो एट स्क्वेयर और यहाँ पे 99 ले लू कॉन्ग्रंस वन मॉड थ्री, यहाँ पर भी 99 आ जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल. सो ये क्या हो जाएगा? 99 इंटू टू नौ दो 198 कॉन्ग्रंस वन मॉड थ्री, क्योंकि वन रेस टू एनीथिंग इज वन. तो देखो मतलब कहाँ थे हम और कहाँ लेके आए. मतलब अगर आपको मैंने ऐसे सवाल पूछा कि 8 रेस टू 198 को मैंने अगर 3 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा वन. अब ये कैसे निकाला? अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम डूड. समझ में आ रहा है? इस तरीके से. ठीक है, ये आसान चीज नहीं, ये बहुत गंभीर चीज है. ठीक है, ध्यान में रखो. सो देखो इसके एग्जांपल्स देखेंगे, सो अपने आप समझ में आएगा. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेस टू 105 आर डिवाइडेड बाय 11. 2 रेस टू 105 आर डिवाइडेड बाय 11. मतलब क्या? 2 रेस टू 105 कॉन्ग्रंस आर मॉड 11. मतलब क्या? यही करना है ना, 11 से इसको डिवाइड करो, हमें रिमाइंडर बताओ, यही तो करना है. ठीक है, सो देखो इज अ क्वेश्चन. ओके, सो इसे हमें सॉल्व करना है. अब कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्या लगता है आपको क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, फॉर्मेट थ्योरम का यूज करना है एवरीवेयर. ओके, सो यहाँ पे ए क्या बन गया गाइस? ए बन गया अपना 2. देखो ये ए होता है ना. P क्या बन गया? 11. क्या ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं? P डिवाइड से नो, 11 डज नॉट डिवाइड 2. ठीक है, नाउ तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है? a रेस टू p माइनस 1 कॉन्ग्रंस 1 मॉड p, ये बात ये कहता है. ठीक है, तो a रेस टू p माइनस 1, सो a क्या है? 2. p क्या है अपना? 11. 11 माइनस 1 कॉन्ग्रंस वन मॉड पी, दैट इज 11. सो हमें क्या मिलेगा? 11 माइनस 1 10, 2 रेस टू 10 कॉन्ग्रंस वन मॉड 11. इसका मतलब क्या होता है गाइस? कि अगर हम 11 से 2 रेस टू 10 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 1. रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 1. तो देखो यहाँ पे हमारे पास है क्या? हमारे पास है 2 रेस टू 10 कॉन्ग्रंस वन मॉड पी, ये चीज हमारे पास है. और हमें निकालना क्या है? 2 रेस टू 105 कॉन्ग्रंस आर मॉड पी, ये निकालना है.
आर मॉड 11 है, आई एम सॉरी, हाँ, तो हमें ये 2 raise to 10 को 2 raise to 105 तक लेके जाना है, ठीक है। सो इट्स वेरी 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 सिंपल, ठीक है। 105 को स्प्लिट करो गाइस, 105 को स्प्लिट करो 10 के फॉर्मेट में, क्या हो जाएगा, 10 के फॉर्मेट में स्प्लिट करो, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 की पावर लेनी पड़ेगी, ओके। क्या हो जाएगा, 10 into 10, 100 plus 5, 105, यस। अगर मैं इसके जगह पे सब जगह बेस ले लूँ, दैट इज 2 raise to 105, 2 raise to 10 into 10 plus 5, तो कैसे दिखेगा ये, देखो 2 raise to 10, 10 plus 2 raise to 5, ऐसे दिखेगा ना, बोंदू पंडित ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इसकी 10th पावर भी ले लूँ, तो भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। कहाँ से आया ये, ये आया a raise to k congruent b raise to k mod n, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 raise to 10 as it is, ये 2 raise to 10 नहीं हो जाएगा guys, ये 2 raise to 100 हो जाएगा। मतलब 2 raise to 100 भी हो गया, तभी भी हमारे पास ये mod 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या लग रहा है, 2 raise to 5 का निकालना है। 2 raise to 5 को जब आप यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, टेल मी, 2 raise to 5 कितना होता है गाइस, 32, 32 कॉन्ग्रंस आर मॉड 11, तो रिमाइंडर कितना बचा जब 11 से डिवाइड करोगे, 10, रिमाइंडर क्या आएगा, 10, तो आपको यहाँ पे लिखना है 32 कॉन्ग्रंस 10 मॉड 11, सो 2 raise to 5 congruence 10 mod 11, ठीक है। अब एक बात हमने एक बात और सीखी है, कौन सी, कि अगर AC congruence, AC नहीं, सबसे पहले एक स्टेटमेंट था, अगर A congruence B mod N होगा एंड C congruence D mod N होगा, तो ये क्या हो जाएगा, AC congruence BD mod N, ये बात ध्यान में रखो, इसलिए मैंने थ्योरम पहले पढ़ा है, तो इस कॉल्ड एज 1, दिस इज अ 2, तो ये A congruence B mod N पकड़ो, ये वाला पकड़ो C congruence D mod N, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 raise to 100 into 2 raise to 5 congruence 1 into 10 mod n, देखो, सो ये क्या बन जाएगा, 2 raise to 105 congruence 10 mod n, ठीक है। सो रिमाइंडर क्या आया, 10, सो आपको वहां पे लिखना है रिमाइंडर इज अ 10, ओके, इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट वन, 7 raise to 200 प्लस 11 raise to 800 डिवाइडेड बाय 101, बाबो ये तो अति खतरनाक, ठीक है। तो देखो इसका एक ही फंडा है, तोड़ो फोड़ो राज करो, ठीक है, ये अकेला तो सॉल्व नहीं कर सकते, एक एक करके सॉल्व करेंगे। 7 raise to 200 प्लस 11 raise to 800 को हम जब डिवाइड करेंगे इससे मॉड 101, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही निकालना है हमें, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर ए, ओके। सो सबसे पहले 7 raise to 200 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, 7 raise to 200 को सॉल्व करते हैं, तो यहां पे रिमाइंडर आर मॉड 101, ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। सो यहां पे टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हियर ए, व्हाट इज द ए हियर, अगर मैं 7 raise to 200 ले लू और यहां पे 101 ले लू, तो ए क्या आएगा, ए आएगा 7, पी आएगा 101, ए क्या आएगा 7, पी आएगा 101, तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है, a raise to p minus 1 congruence 1 mod p, ठीक है। सो a क्या है 7, 101 minus 1 that is 100 congruence 1 mod 101, ठीक है। मतलब जब आप 101 से 7 raise to 100 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1, ओके। सो हमें क्या लग रहा है, 200, तो अगर मैं दोनों जगह पे स्क्वायर ले लूं गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर mod 101, ये कहां से आया, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली कहां गई, ये वाली, ठीक है। सो लाइक दिस,
तो ये हो जाएगा 7^200 कॉन्ग्रंस 1 mod 101। देखो 7^200 का काम हो गया, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ो तो अब निकालेंगे 11^800 और 101 के बीच में। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा गाइस 11, पी क्या हो जाएगा 101, जिससे डिवाइड कर रहे हो पी होता है, ठीक है। सो फॉर्मेट थ्योरम कहता है ए रेज टू पी माइनस 1 कॉन्ग्रंस 1 mod p। तो ये हो जाएगा 11^100 कॉन्ग्रंस 1 mod 101। अब 100 को मुझे 800 बनाना है, तो क्या करूं, 8 से मल्टीप्लाई। सो 11 800 8 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 1^8 8th पावर लो मॉड 101, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 11^800 कॉन्ग्रंस 1 mod 101 इक्वेशन नंबर 2। कैसे, देखो यही निकालना है 11^800। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ए कॉन्ग्रंस बी मॉड n एंड c कॉन्ग्रंस d mod n रहा तो क्या होता है a प्लस c कॉन्ग्रंस b प्लस d mod n। तो यहां पे पहला क्या था अपना इक्वेशन 1, 7^200 कॉन्ग्रंस 1 mod 101, 7^200 कॉन्ग्रंस 1 mod 101, और दूसरा था 11^800 कॉन्ग्रंस 1 mod 101, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करो, a प्लस सी दैट इज 7^200 प्लस 11^800 कॉन्ग्रंस b प्लस सी दैट इज 1 plus 1 mod 101। तो ये क्या बन जाएगा 7^200 प्लस 11^800 कॉन्ग्रंस 2 mod 101। ओके सो व्हाट इज द रिमाइंडर हियर, रिमाइंडर इज 2, ठीक है, ध्यान में रखो। काफी इजी थिंग है ये, हाँ, जो आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन, यूज फॉर्मेट थ्योरम वेरीफाई दैट 17/11/104 प्लस 1, ठीक है। मतलब ये क्या है गाइस, ये तो आपको दिख रहा होगा 11^104 कॉन्ग्रंस 1 mod 17, ये प्रूव करना है हमें, क्या ये हो सकता है क्या, ठीक है, क्या ये हो सकता है क्या। कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। सबसे पहली बात, यहाँ पे a क्या आएगा और 1 क्या, p क्या आएगा, देखो a तो धड़धड़ित दिया है, ठीक है, a क्या आएगा, यहाँ पे a आएगा 11, p क्या आएगा जो डिवाइड कर रहा है 17। ओके सो नाउ हमें क्या दिखाना है, 11^104 इज कॉन्ग्रंस 1 mod 17, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम a रेज टू p माइनस 1 कॉन्ग्रंस 1 mod p। हमें ये दिखाओ या ये दिखाओ, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, a रेज टू p माइनस 1। ओके सो 11^p-1 दैट इज 16 कॉन्ग्रंस 1 mod 17, p की वैल्यू 17 है ना, मतलब ये हो गया हमारा बेस इक्वेशन, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा बेस इक्वेशन। तो चलो जरा इसको निपटाते, तो 104 को जरा एक्सप्रेस करो 16 के टर्म में, 96 + 8, ठीक है। सो सबके रेस टू 104 ले लो, मतलब 11^104 11^16 इंटू 6 प्लस नहीं आएगा इंटू 11^8, ठीक है, लाइक दिस, या थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्लस ही रखो ऊपर, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब दोनों जगह 11 की पावर ले ली। तो ये क्या हो जाएगा 11^104 11^16 इंटू 6 इंटू 11^8, ठीक है, ये कॉमन इंडाइसेस रूल्स है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। सो गाइस देखो 11^104 है, हाँ, एक एक करके निकालेंगे, पहला इसका निकालेंगे बाद में इसका निकालेंगे, ठीक है। अब रेस टू पावर 6 ले लो, तो क्या हो जाएगा 11^16 की पावर रेस टू 6 इज 1^6 मॉड 17, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये क्या हो जाएगा 96 कॉन्ग्रंस 1^6 इज 1 mod 17, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब 11^8 की निकालेंगे, ठीक है, 11^8 कॉन्ग्रंस r mod 17, हमें पता नहीं रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, देयरफॉर r। अब ये जो 8 है, ठीक है,
अब थोड़ा थोड़ा खाते उसको, ठीक है, एक साथ नहीं खाएंगे, टू टू से स्प्लिट करेंगे, 11 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, रिमाइंडर मॉड 17, तो 11 का स्क्वायर 121 रेज टू 4, कॉन्ग्रेंस आर मॉड 17। देखो मैं ये भी सिखा रहा हूं कि अगर आपको कोई चीज का निकालना है, बहुत बड़ा नंबर है तो कैसे निकालोगे, ये भी सीख लो। तो यहाँ पे 17 को 121 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 रेस टू 4 कॉन्ग्रेंस आर मॉड 17, ठीक है, 2 रेस टू 4 क्या होता है गाइस, 16। तो जब आप 16 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, क्या बचेगा, -1 मॉड 17, ठीक है। मतलब क्या, जब ये -1 यहां जाके प्लस होगा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है ये लाइन का बताओ तो मुझे, ये क्या हो जाएगा, 17 डिवाइडेड 16 माइनस रिमाइंडर, तो 17 माइनस माइनस प्लस दैट इज 17, तो रिमाइंडर क्या आ गया गाइस, 0। जब ये -1 यहां आ जाएगा 0, ओके, सो आवर आंसर इज करेक्ट। सो ये क्या हो गया, -1। समझ में आ रहा है इस तरीके से। सो यहां पे देखो हमें रिमाइंडर दिखाना है 0, ठीक है, 16 आ गया। नाउ स्टार्ट कहां से किया था हमने, स्टार्ट कहां से किया था, यहां से 11 रेस टू 104, ओ सॉरी, स्टार्ट किया था हमने 11 रेस टू 104 से, ठीक है। सो 11 रेस टू 104 क्या था, 11 रेस टू 104 इज इक्वल टू 11 रेस टू 96 इंटू 11 रेस टू 8, दोनों के एडिशन वही आती है, यस। 11 रेस टू 96 का आंसर क्या आया था, 1 mod 17, इसका आंसर क्या आया था, 1 mod 17, 1 mod 17, और इसका क्या है 11 रेस टू 8 का, -1 mod 17, तो ये एक हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहां पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा, सो -1 mod 17 11 रेस टू 104 इज इक्वल टू -1 mod 17, क्या यही दिखाना था क्या, देखो ये +1 है ना, यहाँ पे -1 होगा, सॉरी, ठीक है, सो ये माइनस, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 11 रेस टू 104 +1, हेंस प्रूफ, देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। सो गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस पूरे चैप्टर में, सो प्लीज कमेंट प्लीज, हाँ आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, आई विल प्रोवाइड यू एमसीक्यू ऑल्सो, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, ओके। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे।